लॉकडाउन के चलते मथुरा से बिना बैंड बाजे के 5 बरातियों को अपने साथ लेकर हाथरस शादी करने पहुंचा दुल्हा। मुंह पर मास्क लगाकर दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर की शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शादी में शामिल हुए 10 लोगों ने दूल्हा और दुल्हन को दिया आशीर्वाद। दरअसल मामला हाथरस जिले के गांव कटेलिया का है। गांव कटेलिया निवासी ऐदल सिंह की बेटी झलवीरी की इस शादी के लिए जनपद मथुरा के गांव माधुरी कुंड से बारात आई थी। बारात में प्रशासन की अनुमति के अनुसार दूल्हे के साथ 5 लोगों को ही आने की अनुमति थी। वहीं दुल्हन पक्ष को भी दुल्हन के साथ 5 लोगों की शादी में शामिल होने की अनुमति मिली। लॉकडाउन के चलते दूल्हा और दुल्हन ने सभी रस्मों रिवाजों के साथ बिना किसी गाजे बाजे के साधारण तरीके से दूल्हा और दुल्हन ने अपने मुंह पर मास्क लगाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। वहीं शादी समारोह में शामिल हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। ग्राम प्रधान कटेलिया, ये मथुरा से 5 लोग आए शादी में। शादी अच्छी तरह से हो गई, मैंने आशीर्वाद भी दिया है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके समय बढ़िया शादी हुई है और अनुमति लेकर के शादी कराई। सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा शादी कराई। मेरा नाम सुरेश चंद है। हम ग्राम माधुरी कुंड पोस्ट स्टडिंग जिला मथुरा तहसील गोवर्धन के रहने वाले हैं। ग्राम कटेलिया में बारात लेकर आए और प्रशासन के कार्य अनुसार हमने अनुमति ली। अनुमति के अनुसार हमने सारा अपना शादी संपन्न की। 5 आदमी की अनुमति मिली, 5 आदमी लेके आए और उन्हीं के सारे नियम का पालन करते हुए हमने शादी संपन्न कराई। थैंक यू।